हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आरके प्रजापति अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर ईस्टर आइलैंड से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ईस्टर आइलैंड एक ऐसा मिस्टीरियस आइलैंड है जो कि अपनी खूबसूरती और रहस्यों से भरे 887 ह्यूज व विशाल का हेडस्टोन्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध व जाना जाता है और कई वर्षों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए एक चर्चा का विषय रहा है। तो आज हम उसी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग व मिस्टीरियस स्टोरीज व फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ईस्टर आइलैंड जो कि रापा नोई आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ईस्टर आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो कि दक्षिणी अमेरिका के चिली शहर से लगभग 3756 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा और चारों तरफ समुद्र के पानी से घिरा हुआ द्वीप है। ये आइलैंड 63 स्क्वायर माइल्स के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर आने के लिए केवल चिली के सैन डियागो एयरपोर्ट से बाय प्लेन ही आया जा सकता है, जिसमें लगभग 5-5.5 घंटे का समय लगता है। तो दोस्तों इस आइलैंड की मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस आइलैंड पर लगभग 887 ह्यूमन विशालकाय और भारी भरकम चट्टानों से बनी हेडस्टोन्स स्टैचूस पाए गए हैं। अगर आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो ये आज से लगभग 700 वर्ष पुराने हैं, जिन्हें पहाड़ों व चट्टानों के बड़े पत्थरों से तराश कर बनाया गया है, जिनमें से कुछ पूरी और कुछ अधूरी हैं, जिनकी कुल ऊंचाई लगभग 33 फीट और वजन लगभग 90 US टन से भी ज़्यादा का है। और ये स्टैचूज ईस्टर आइलैंड के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आकारों में पाए गए हैं, जिनमें से एक स्टैचू ऐसा भी है जो कि इनकम्प्लीट है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक कैलकुलेशन अगर इसे बनाया जाता तो यह लगभग 70 फीट ऊँचा और 297 US टन का होता। वहीं पर एक स्टैचूज का ग्रुप ऐसा भी मिला है जो कि ईस्टर आइलैंड के समुद्र के किनारे समुद्र की तरफ पीठ करके खड़े किए गए हैं। इन स्टैचूज को आज मोआई के नाम से जाना जाता है। कई वर्षों की खोज और रिसर्च के बाद साल 2012 में अमेरिका और यूरोप के साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को एक स्टैचू के नीचे एक्सकोवेशंस खुदाई के दौरान पता चला कि स्टैचू का निचला भाग जो कि सिर से अटैच्ड था वह जमीन के नीचे हाइड था। इन सब मिस्ट्रीज के पीछे आखिर क्या रहस्य था कोई नहीं जानता। तो दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर और इतने बड़े आकार के स्टैचूज का निर्माण एक अकेले और एक छोटे से द्वीप पर करने के पीछे का आखिर क्या कारण था। आखिर क्यों इन स्टैचूज का निर्माण किया गया और किसके द्वारा किया गया। आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने इन विशालकाय और मिस्टीरियस स्टैचूज का निर्माण किया और इन्हें बनाने के पीछे उनका क्या रहस्य था। आखिर वो लोग कहां से आए थे और कहां चले गए और उन्होंने प्राचीन स्टैचूज को बनाने में किस तकनीक का इस्तेमाल किया और इस छोटे से आइलैंड पर इतने बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें कहां से लाई गईं और फिर इन्हें बनाने के बाद ईस्टर आइलैंड के अलग अलग स्थानों पर इतने बड़े आकार के स्टैचूज को कैसे पहुंचाया या मूव किया गया। इन्हीं सब मिस्ट्रीज को सुलझाने और उनके पीछे छिपे रहस्य को जानने के लिए साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की टीमों ने कई वर्षों तक इस आइलैंड पर खोज और रिसर्च की और आखिरकार उनकी कड़ी मेहनत और लगातार प्रयासों के बाद कई मिस्ट्रीज के जवाबों को खोज निकाला गया। दरअसल ईस्टर आइलैंड की खोज आज से लगभग 300 साल पहले 5 अप्रैल 1722 को जैकोब रेजोविंस ने की थी, जो कि एक यूरोपियन डच एक्सप्लोरर था जो यहां डेविस लैंड की खोज करते करते ईस्टर संडे के दिन यहां पहुंचा था और उसी के द्वारा इस रापा नोई आइसलैंड को ईस्टर आइलैंड नाम दिया गया। जिस समय जैकोब रेजोविंस
इस आइलैंड पर पहुंचा था उस समय इस आइलैंड की टोटल पॉपुलेशन लगभग 2500 से 3000 ही थी और उनकी भाषा और वेशभूषा बाहरी दुनिया के लोगों के मुकाबले बेहद अलग थी और वही लोग इस द्वीप के मूल निवासी थे। तो दोस्तों अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने कम लोग इतने बड़े द्वीप पर अलग अलग स्थानों पर इतनी सारी विशाल का स्टैचूज का निर्माण कैसे कर सकते थे जो कि उनके लिए इम्पॉसिबल था, और कैसे इस स्टैचूज को पत्थरों और पहाड़ों को तराश कर इतने बड़े आइलैंड पर अलग अलग स्थानों पर पहुंचाया गया, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी और बाहरी दुनिया की सहायता के, क्योंकि इन स्टैचूज को बनाने के लिए हजारों इंसानों की आवश्यकता थी। आखिर ये स्टैचूज इस आइलैंड पर कैसे आए, जबकि ये आइलैंड नॉर्थ अमेरिका से कई मील्स की दूरी पर स्थित था। इस मिस्ट्रीज पर अलग अलग देशों की अलग अलग लोगों के डिफरेंट थ्योरीज और एजम्पशंस व मान्यताएं हैं, जिनमें से एक थ्योरी यह भी है कि इन्हें एलियंस के द्वारा बनाया गया है, जो कि सही नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। तो अब आपकी इस पे क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना वक्त गवाएं सच की तरफ बढ़ते हैं। यूरोप और अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट वैज्ञानिकों का मानना है कि ये स्टैचूज आज से लगभग बिटवीन 13th to 15th centuries के बीच रापा नुई के लोगों द्वारा बनाए गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर मिले कुछ ह्यूमन बॉडी स्केलेटन के डीएनए से पता चला है कि इस द्वीप के मूल निवासी अमेरिकी नहीं बल्कि पॉलिनेशियंस थे, जो कि प्राचीन एशिया से संबंध रखते थे। वहाँ मिले स्केलेटन के डीएनए से यह साबित हुआ है कि ये स्केलेटन आज से लगभग 1700 साल पुराने हैं, जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पॉलिनेशियंस इस आइलैंड पर ईयर 300 में आए होंगे। और एक स्टडी की माने तो इस आइलैंड पर लगभग एक समय में 17,500 लोग रहा करते थे और उन्हीं के द्वारा इन स्टैचूज का निर्माण किया गया होगा। और इन स्टैचूज को बनाने में जिन स्टोन्स व चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है, वह स्टोन्स व चट्टानें इसी ईस्टर आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक असक्रिय ज्वालामुखी से निकले ठंडे लावा से बने पत्थर व चट्टानों को तराश कर वहीं बनाया गया है। तो आखिर रापा नुई के लोग इतने बड़े स्टैचूज को बनाने के बाद ईस्टर आइलैंड के अलग अलग स्थानों पर इन्हें कैसे और किस तकनीक द्वारा पहुंचाते थे, इसी सवाल का जवाब जानने के लिए सन 80s में अमेरिका और यूरोप की कुछ रिसर्च टीमों ने डिसाइड किया कि ऐसा ही एक स्टैचू क्रिएट करके प्राचीन काल में यूज़ की जाने वाली अलग अलग तकनीकों व तरीकों का इस्तेमाल करके स्टैचू को मूव कराने की कोशिश की जाए। और इस कोशिश में एक अमेरिका की आर्कियोलॉजिस्ट कि एक टीम ने सक्सेसफुली 10 टन के एक स्टैचू को सिर में रस्सियों को बांधकर स्टैचू को आगे की ओर झुकाकर 50 फीट तक चलाया गया। इससे यह मिस्ट्री भी सॉल्व होती है कि रापा नुई के लोग ऐसा ही रस्सियों व तरीकों का इस्तेमाल करके स्टैचू को चलाया या मूव किया करते थे। और वहीं जो एक स्टैचूस का ग्रुप समुद्र की ओर पीठ करके खड़ा है, उसे जरूर वहां के लोगों ने आइलैंड व विलेज की सुरक्षा के लिए बनाया होगा, ताकि समुद्र की तरफ से आने वाले बाहरी लोगों व खतरों से बचा जा सके। तो दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि इन स्टैचूस को बनाने वाले पॉलिनेशियंस आज कहां हैं। खोजकर्ताओं और विज्ञान की माने तो ये ईस्टर आइलैंड आज जैसा दिखता है पहले ये ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता था। बताया जाता है कि पहले ये द्वीप लगभग 16 मिलियंस पेड़ों व घने जंगलों और पाम ट्रीज से भरा हुआ करता था। कहा यह जाता है कि पॉलिनेशियंस खेती किया करते थे
और खेती करने के लिए उन्हें खाली ज़मीन की आवश्यकता थी। इस वजह से पॉलिनीशियंस ने ईस्टर आइलैंड पर बड़ी मात्रा में पाम ट्रीज और पेड़ों को काटकर और जंगलों में आग लगाकर वहां की ज़मीन को खेती करने योग्य बनाया। जब पॉलिनीशियंस यहां आए तो यहां की ज़मीन एग्रीकल्चर व खेती के लिहाज से लो न्यूट्रिएंट्स थी, जिस वजह से यहां के लोग ज़्यादातर स्वीट पोटैटो, याम्स, रतालू की ही खेती किया करते थे और समुद्र से मिलने वाले सी फूड्स पर निर्भर थे। साइंस स्टडी के मुताबिक बताया जाता है कि बड़ी मात्रा में वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशंस और पेड़ों को जलाने के कारण यहां की ज़मीन धीरे धीरे बंजर हो गई और यहां के लोगों को पर्याप्त भोजन ना मिल पाने के कारण यहां के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। यहां पर मिले ह्यूमन स्केलेटन्स में गहरे चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे यह साबित होता है कि यहां के लोगों के बीच एक बड़ा सिविल वॉर हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए होंगे और जो लोग बचे थे वह लोग लड़ाई झगड़े व पर्याप्त भोजन ना होने के कारण वहां से दूसरे स्थानों की खोज में कहीं और निकल गए और थोड़े बहुत लोग ही उस आइलैंड पर रह गए। 1722 में जब से इस आइलैंड की खोज हुई है तब से यहां अमेरिकन्स व यूरोप के लोगों का लगातार आना शुरू हो गया, जो कि अपने साथ वहां के लोगों के लिए सिफिलिसिस और स्मॉल पॉक्स जैसी तरह तरह की बीमारियां व परेशानियां लेकर आए, जिसकी वजह से वहां के लोग बीमार पड़ने लगे और धीरे धीरे मरने लगे। और नॉर्थ अमेरिका ने भी वहां पर कई बार रेड की और वहां के लोगों को बंदी बनाकर ले जाने लगे। इन्हीं सब कारणों से 19th सेंचुरी तक आते आते वहां रह रही पॉलिनीशियंस की पूरी जाति ही विलुप्त हो गई और आज ईस्टर आइलैंड चिली के संरक्षण में आता है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट्स में भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस पाने और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से ही एक नई अनदर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच।